उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी आरोपी पति पुलिस के आने तक शव के पास घंटों तक बैठा रहा। आरोपी पति शराब का आदी है और पत्नी से इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला हाटा कोतवाली के पडरी गाँव के मैनपुरवा टोला का है, जहां बुधवार सुबह करीब 3 बजे शराबी पति राम सिंह ने अपनी ही पत्नी रीता देवी के कमरे में बंद कर कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक राम सिंह अक्सर शराब पीकर घर आता था, जिसे लेकर उसका पत्नी से आए दिन झगड़ा होता रहता था। मंगलवार की शाम को वह शराब के नशे में घर पहुंचा था। रात को खाना खाने के बाद हत्यारे राम सिंह अपने 4 बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दिया। 80 साल के पिता अपने कमरे में सोए हुए थे। राम सिंह पत्नी रीता के साथ अलग कमरे में सोया था। भोर में लगभग 3 बजे के करीब शराबी पति राम सिंह ने अपनी पत्नी रीता की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह भागा नहीं बल्कि लाश के पास ही बैठा रहा। सुबह जब बच्चे जागे और माँ को खोजते हुए कमरे में गए तो खून से लथपथ देख कर रोने और बिलखने लगे। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि राम सिंह पत्नी के शव के पास बैठा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतक रीना की 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मां की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।